वेलकम गाइस टू टुडेज ब्लॉग। आज आपको शेयर कराते हैं मिलान का एक गार्डन। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। जैसे आप देख चुके हैं, मेरा आज घर में ही मैंने बाल काट लिया। मेरे वाइफ ने मुझे हेल्प किया है बाल काटने में। कोविड का सिचुएशन है, सैलून जाने में डर लग रहा है और बीच में बहुत दिन से कुछ भी नहीं बनाया, तो आज हम लोग गए थे थोड़ा। मिलान का जो एक बहुत सुंदर गार्डन है, क्योंकि वो सेंट्रल गार्डन नहीं है, फिर भी बहुत सुंदर गार्डन है, उसका वीडियो में डालूंगा। और हम लोग का आज बन रहा है फुल रोस्टेड चिकन। मैं आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ। ये देखिए, दिख रहा है, होपफुली आपको दिख रहा होगा। रोस्टेड चिकन का फुल वाला वर्जन। तो ये चिकन के अंदर स्टफिंग कर दिया, भर रहा हूँ। और हम लोगों ने एक आज मार्केट भी गए थे, तो बहुत सारा लोकल वाला जो सब्ज़ी मिलता है वो लाया हूँ, तो उसका सलाद हो गया। मैं उसको लेना भूल गया। ये देखिए, फ्रिज पूरा भरा पड़ा हुआ है चीज़ों से, पार्सले और बहुत सारा अमेजिंग चीज़ हम लोगों ने आज लिया। ये देखिए, ये लोग आना छोटा वाला टमेटो है, दिस इज टर्निप, मूली का जो छोटा वाला वर्जन होता है टर्निप। और पार्सले है और बहुत कुछ है। ये एक बहुत मस्त मोज़रेला का चीज़ मिलता है, देखने में रसगुल्ले की तरह है, बहुत ही सॉफ्ट। और बहुत सारा वैरायटी का कार्ड भी है, कर्ड भी है, आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या नाम था उस शॉप का, एक नया शॉप को एक्सप्लोर किया, जो भी इटली का वन ऑफ द बड़ा रिटेल चेन है, जिसका नाम है कोनाड, CONAD। ये देखिए, यहाँ का सारा चीज़ इतना बड़ा बड़ा होता है। आलू देखिए, ये मिनिमम साइज़ है, बाकी सारे तो इससे भी बड़े हैं। तो मैं बहुत दिन से कुछ भी नहीं डाला, ज्वाइनिंग तो हो गया मेरा, सब कुछ अच्छा ही रहा, ठीक ठाक। तो आज कुछ बनाता हूँ, जो 3-4 दिन का मटेरियल है उसको बना के मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूँगा, आप लोग देखते रहिए। हेलो गाइस, सो हम लोग का लीगल वर्क सारा कंप्लीट हो गया। तो आज और कल इटली का बैंक हॉलीडे है, हम लोग निकले हैं थोड़ा सा। पापा का भी हॉलीडे है, अभी हम निकले हैं पार्क के लिए। तो अभी हम निकले हैं बेसिकली एल्डी से कुछ सामान लेने के लिए, बट वो सामान ऑन द वे सामान लेते हुए हम लोग एक छोटा सा पार्क है, छोटा तो नहीं, बड़ा सा ही पार्क है, वो पार्क के थ्रू होते हुए फिर जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा व्यू मिल जाएगा। और ये मिलान का स्ट्रीट व्यू है, देख रहे हैं। लास्ट 2-3 दिन से, आफ्टर 4 इयर्स स्नोफॉल हुआ है, और स्नोफॉल 2 दिन हुआ, उसके बाद से थोड़ा बारिश हुआ, तो जगह जगह पे भीगा हुआ है। और ये मिलान का वन ऑफ द मेन स्ट्रीट है जहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ हमारा पाटा भिजे गल यार, जब भी कोई मत तो पूरा भीग गया है। जूते को वैक्स भी नहीं किया है तो पानी एकदम अंदर घुस के ट्रांसमिट होगा भी, पैर तो ठंड लगेगा खतरनाक। तो ये मिलान का छोटा छोटा सा गली है और फिर चलते हैं, मिलते हैं पार्क में। मैं थोड़ा कैमरा घुमा के हम लोग का भी एक बार व्यू दिखा देता हूँ। पूरा मास्क वास्क लगा हुआ है। ठीक है, ये है हम लोग एकदम चल रहे हैं पूरा साजो सामान के साथ। आज तो कितना दिखा रहा है देखिए, 5 डिग्री 10 डिग्री है, बट फील लाइक कुछ ज़्यादा ही कम है। तो कैप, मफलर और ग्लव्स मस्ट है। छोटा सा गली है, मिलता है पार्क में। चलिएगा इसमें ये है मिलान का फेमस ट्रैम नंबर 1 तो आपको दिखा नहीं पाए, बट दिखाएंगे। आ जाओ, हम लोग जा रहे हैं ऊपर मेन पार्क में। ये गेट है पार्क का ऊपर जाने का। देन विल गेट वन मेन रोड, जिस रोड को क्रॉस करने के बाद आपको वो पार्क मिल जाएगा। And on the other side of the road, ये वाला पार्क है। तो we have to take the main zebra. देखते हैं फिर। यहाँ ये देखिए ट्रेन जा रहा है। You can see ये जगह थोड़ा ऊपर है। कोरोना के वजह से स्ट्रीट वगैरह पूरा खाली है। चलिए मिलते हैं पार्क के अंदर। पता नहीं इधर कौन रहेंगे, स्नेचिंग का डर रहता है हमेशा मेरे मन में। बाय, एक बार जूम करते हैं। गाइस, ये पेड़ों का जो सीरीज है आप देख सकते हैं, कितना अच्छा लग रहा है। यू कैन एज्यूम कि ऑटम में या समर में जब ये ग्रीन रहता है तो कितना अच्छा दिखता होगा। तो एज ऑफ नाउ हम लोग पार्क के अंदर जाएंगे। लीफ तो उतना है नहीं, इसको क्रॉस करने का वेट करते हैं। ग्रीन हो गया। जल्दी जल्दी पार करना पड़ेगा। दिस इज द मेन रोड। ये पार्क का टाइमिंग देख लीजिए। सो व्हेन यू आर कमिंग टू द पार्क, रात के 9 बजे तक खुला होगा। बट व्हेन यू आर रोमिंग अराउंड यू हैव टू बी लिटिल बिट सेफ, क्योंकि हम लोगों ने सुना है कि थोड़ा सा हम लोग के पास भी कोई कुत्ता या डॉगी भी नहीं है जो हम लोग को सेव करेगा। तो व्हेनेवर आई सी ना এটা গার্ডেনই পাবলিকই এটা তার উল্টো দিকের পার্কটা এটার মধ্যে ওয়াটার বডি ফডি আছে এদের সাথে ঘোরাফেরা করাটাই বেটার হবে চলো চলে দিছি एक कुत्ता हम लोग के पास भी एक दिन होगा ऋषि कादाते पाती थी इसमें इमोशनल हुए खाली कुत्ता ही रहेगा देखिए ऋषि इमोशनल हो गया है लग रहा है आज का वीडियो का सारा जितना भी कंटेंट है सबको म्यूट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत पर्सनल बातें हो रहा है ये देखिए क्या ना पूरा फैमिली ग्रुप में जॉगिंग करने निकला है देखिए बैठने का कितना अच्छा है कौन गाछटा लीजिए गाछटा भालो वीडियो में अभी बंद कर रहा हूँ जितना और इंटीरियर में जाएंगे और हम लोग अगर समझ आया कि ये क्या है एक्चुअल पार्क है या कोई इंस्टीट्यूट का क्योंकि इसके अंदर मैंने देखा एक 4500 साल का पुराना पेड़ का पार्ट क्या बोलते हैं उसको ऋषि ब्रांच रखा हुआ है ट्रंक तो विल एक्सप्लोर एंड विल लेट यू नो चलिए फिर भाई हम लोग पार्क के रनिंग वाले एरिया पे आ चुके हैं अभी भी मौसम का झलक है लेकिन मुझे रास्ते की तरफ देखना पड़ रहा है थोड़ा ऊबर खाबर है तो थोड़ा सा भी फोकस मिस हुआ मेरा एंकल ऑलरेडी ट्विस्ट हो चुका है बैडमिंटन खेलने के चक्कर में क्योंकि आज हॉलीडे है तो काफ़ी सारे हेल्थ एंथुजियास्ट को आप देख सकते हैं पार्क में मैं आपको एक बार पूरा व्यू दिखा देता हूँ और क्योंकि बारिश भी हो रही है तो पता नहीं मैं हर बार हर वीडियो में होमलेस लोगों का जिक्र क्यों करता हूँ बट उतना होमलेस तो है नहीं मेरे को थोड़ा है इसको देखिए आप भाई साहब को कैसे ऐसे जॉगिंग करेंगे तो इसको क्या ही कैलोरी बर्न होगा ऐसा देखिए पेपर आनते होते ये बिल्डिंग भी देखिए कितना अच्छा है मुझे आज गिम्बल लाना चाहिए था नया गिम्बल खरीदा और डर के मारे उसको यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ कि कोई छीन के ले जाएगा बट आज तो काफ़ी मैं सेफ महसूस कर रहा हूँ पता नहीं मेरा क्या साइकोलॉजी है दो चार काले लोगों को आसपास देखता हूँ डर लगने लगता है ये देखिए कितना अच्छा बिल्डिंग है ये पता लगाना पड़ेगा कि दिस इज़ जस्ट अ पार्क या तो कोई म्यूजियम या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट या ऐसा कुछ है तो लास्ट टाइम हम लोग ऐसे ही ये यूरोप का ये वाला ईस्टर्न यूरोप में ये वेस्टर्न यूरोप का ये वाला चीज़ बहुत अच्छा लगता है लास्ट ईयर मैं जब बुदापेस्ट में था तो तो ये काफ़ी सारा आपको स्कल्पचर डिफरेंट डिफरेंट महात्माओं का मूर्ति मिल जाएगा। ये देखिए जैसे एक इतना बड़ा स्टैचू यहाँ पे रखा हुआ है छोटा सा पार्क के अंदर, नोबडी का नेम। अच्छा आपको दिख नहीं रहा है, पेड़ के पीछे चला गया है। अच्छा ये धांधा कौन बोईफाई बिक्री करो। और ये प्ले एरिया है। हाँ प्ले एरिया है तो मस्त है। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हम लोग को यूरोप बहुत अच्छा लगता है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है वेर एवर यू गो, और कितना भी अर्बन एरिया हो। ये दिस इज़ सेंट्रल ऑफ मिलान, उधर भी आपको इतना बड़ा रिजर्व एरिया, इतना ग्रीनरी, इतना सब कुछ मिल जाता है। चलिए फिर जैसे इनको देखिए, ऐसे वाले लोग घूमते रहते हैं थोड़ा सा मार्केटिंग वाले। ये देखिए दिस इज द मेन पाथवे, ऊपर से जो हम लोगों ने फ़ोटो लिया था, आप यहाँ से भी फ़ोटो ले सकते हैं। दिस इज एक्चुअली क्रॉस। एक मिनट चलो दाड़ाओ দাঁড়াও আমি এরপর একটা তুলবো। ऋषि এটা तो खोल। चलिए गाइस अभी वीडियो स्टॉप करते हैं, हम लोग कुछ फ़ोटो ले लेते हैं, उसके बाद वीडियो लेंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। बी सेफ and good night till we meet in the next vlog. Bye.